अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर भी नए हो गए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सब जानते हैं कि कल नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम था। आई होप दैट जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा इसका, उसको इंशाल्लाह सिलेक्शन होगी, ठीक है। सभी को पेपर अच्छा ही हुआ होगा, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पेपर कैसा था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, क्या ये मीडियम था उससे या टफ था या ईजी था, ठीक है। सारा कुछ इसमें मैं आपको बताऊँगा और अपना भी बताऊँगा, मुझसे भी गलती होगी कल तो मैं शेयर करूँगा आपके साथ ही। तो पहले मैं बात करूँगा पेपर की, ठीक है। जो पिछले साल का पेपर था 2023 का, ठीक है, उससे ये ईजी था, ठीक है। मतलब एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर जो इस साल का पेपर था, मतलब मेरे हिसाब से वो इजी था, ठीक है। इस साल का बहुत ही इजी था, ठीक है। मुझे नहीं लगता अब इतना इजी कभी आएगा पेपर, क्योंकि आजकल इन्हें क्या जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स कुछ ही क्वेश्चंस थे फिजिक्स में, ठीक है। आप खुद भी देख सकते थे, आपने देखा भी होगा, न्यूमेरिकल्स उतना नहीं थे। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा था फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में तो होता है, ठीक है। तो आप सब मतलब आपने देखा होगा कि जो फिजिक्स में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो मतलब एनसीईआरटी से निकाले गए थे, चाहे केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स। बायोलॉजी तो एनसीईआरटी से आती है, ठीक है। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री थी उसमें जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन या मेज द फॉलोइंग थे, ज़्यादातर मेज द फॉलोइंग और स्टेटमेंट वाइज। देखो ये क्यों ये करते हैं, ताकि मतलब स्टूडेंट्स को जो टाइम है वो कंज्यूम ज़्यादा हो जाए, ठीक है। उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है स्टेटमेंट चाहे मेज द फॉलोइंग, ठीक है। उनको टाइम कितना लगता है, मतलब ज़्यादा लेते हैं वो अकॉर्डिंग। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, कभी कभी न्यूमेरिकल इतना छोटा होता है कि उसको 10 ही सेकंड लगते हैं, ठीक है। इसमें फिजिक्स में थे वैसे न्यूमेरिकल जिनको 10 सेकंड 5 सेकंड या ऐसे ही करने से करने के बगैर ही इनका आंसर निकलता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स है, ठीक है। ये मेरा पेपर है, आप देख सकते हैं फिजिक्स का पेपर मतलब बहुत ही ईजी था, ठीक है। और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए थे, ठीक है। आप चेक कर लेना पेपर और फिर एनसीईआरटी फिजिक्स की चेक कर लेना, ठीक है। सारा कुछ इसी में आया थे। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, उसके जो क्वेश्चन है वो भी इससे एनसीईआरटी से ही आए, ठीक है। सारे डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन आए थे वहीं से, और लाइन मतलब एनसीईआरटी की लाइन आई थी इसमें, ठीक है। और जो स्टेटमेंट चाहे मेज द फॉलोइंग सब कुछ एनसीईआरटी से उठा के उन्होंने इसमें डाला था, ठीक। फिर बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, वो आपको पता ही है, उसमें इससे एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। मतलब मैं फाइनली बोलूंगा कि जो पेपर था इट वाज वेरी इजी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। और मेरे से एक गलती हो गई, ठीक है। तो देखो मैंने पहले बायोलॉजी किया, ये गलती आप दोबारा अगर किसी को ऐसी गलती हो जाएगी या अगर किसी को अभी तक मतलब अगर किसी ने नहीं दिया होगा, ठीक है, तो ऐसी गलती कभी मत करना। देखो मतलब जब मैंने बायोलॉजी क्वेश्चन देखा पहले, मतलब मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने पहले बायोलॉजी का पेपर देखा, बहुत ही ईजी था, ठीक है। देखो मतलब जब मैं खुश हुआ बहुत ज़्यादा, तो इस वक्त इंसान की खुशी जब होती है ना, फिर पता नहीं क्या करता है। देखो मैंने क्या किया, मैंने बायोलॉजी की जो क्वेश्चन है होते हैं वो 151 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको फिल करना था, मैं बस एन सर्कल ऐसे गोल कर रहा था क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे मार्जिन को सर्कल कर रहा था, फिल नहीं कर रहा था। फिर मैं लास्ट में 5 या 10 मिनट इनको रखता हूँ फिल करने के लिए, ठीक है। खाली मैं पहले मार्जिन को फिल करता हूँ, ठीक है। तो मैंने किसको करना था, 151 को सर्कल करना था, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को किया। मुझे मत पता मतलब खुशी से मतलब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को किया। तकरीबन मैंने 13 क्वेश्चन को ऐसे ही किया, मतलब 13 नहीं 11 शायद 11 क्वेश्चन को ऐसे ही किया, वहाँ से पता नहीं चला मैं किसको फिल कर रहा हूँ। मुझे बायोलॉजी का करना था, मैं फिजिक्स का कर रहा था। बट अब मुझे नहीं पता क्या ये मार्जिन वाले, ये मुझे खुद नहीं पता क्या। अगर हम मार्जिन को आप कॉमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज़, अगर हम खाली मार्जिन फिल करेंगे और उसी वाले रो में हम फिल उसका आंसर फिल करेंगे जो उसका मतलब करेक्ट आंसर होगा, क्या ये माना जाएगा ये ठीक, क्या ये गलत दिया जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक रो है उसमें कितने ये होते हैं बबल्स होते हैं 4 ऐसे, मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। अब मैंने बायोलॉजी का मुझे क्या करना था, 151 फिल करना था मैंने। फॉर एग्जांपल फिजिक्स का इसका आंसर, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का जो क्वेश्चन था 151 क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर फॉर एग्जांपल फर्स्ट था, ठीक है। मैंने फर्स्ट किसको किया, फिजिक्स को, ठीक है। बट इसका जो मेरी जो सीरीज थी फिजिक्स में, इसका 4th ऑप्शन था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने फिजिक्स को इसको फिल किया, ठीक है, अच्छे से। बट जो फर्स्ट वाला था मैंने इसको खाली मार्जिन फिल किया, क्या ये करेक्ट दिया जाएगा या नहीं, आपको कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो मतलब बाय द वे मेरा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ इंशाल्लाह, आप सबका भी अच्छा ही हुआ होगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप उम्मीद मत हारना, ठीक है, यह होता है जब किस्मत होगा। और आप अगर आपने हार्डवर्क किया होगा, अगर आपने अपना 100% दिया होगा तो आपकी सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ और पूछना होगा आपको, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। ये रहा मेरा पेपर, आप मैंने अभी चेक नहीं किया, मैं सच हो रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ इतना। मैंने अभी OMR भी मतलब चेक नहीं किया, मतलब मैंने की चेक नहीं किया अभी तक, ठीक है। इतना मैं मतलब डर होता है ना, देखो अगर खुदा ना खास तो कोई ना क्वेश्चन गलत होता है फिर इंसान को टेंशन होती है, इसलिए रिजल्ट तक वेट करना है। तब तक अल्लाह हाफिज़।